शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अरे हम आते ना। इट्स ओके। जुगनू तुम जाओ, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तब मैं खुद चली जाऊंगी, ठीक है? अरे हम इंतजार कर लेंगे ना, आप अकेले कहाँ जाएंगे मैडम? कहाँ ना जाओ, ठीक। ये ऑफिस की वजह यहाँ? ये बुड़बक कौन था जिसने हमारी मैडम को गले लगाया? थैंक यू। बिना मास्क के तुम बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू। एक मिनट, मैं ड्रिंक बना के लाता हूँ। एक मिनट, हमारे पीने के बाद इसका नशा दुगना। ऐसे बहुत सी लड़कियों से मिला, लेकिन तुम्हारी बातों में जो नशा है, अब तुमसे मिलने के बाद और कहीं जाने की इच्छा नहीं। क्यों? कोई गर्लफ्रेंड बना लो, फिर कहीं बाहर जाने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। गर्लफ्रेंड क्यों? बीबी है, अच्छा भी है, बस रोज रूटीन की जिंदगी से बोर आ गया हूं, कुछ नया ट्राई करना चाहता हूं। सूरज आप गलत समझ रहे हैं, मैं सिर्फ यहाँ आपसे बातें करने और टाइम स्पेंड करने आई हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आई एम सॉरी। इतना बड़ा घर बना है, कांच ऐसा लगा है कि झांको तो अंदर का कुछ दिखता ही नहीं, बाहर का दिख रहा है। क्या करें, आ गई हमारी मैडम। इसमें क्या मिलाया है? या प्यार? ना पैसा दिया है तुमको, ऐसे थोड़े ना जाने देंगे। क्या बकवास कर रहे हो?
बैठिए बैठिए। हाँ मैडम। ए रुक। अरे मैडम 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 क्या हो गया मैडम मैडम हेलो मैडम जी, भी बात नहीं कर सकती, आप थोड़ी देर में फोन करिएगा। मैडम जी, ये नंबर तो किटी का है ना? किटी दोस्त बनकर सबसे बात करती है। दोस्त बन के? हाँ, उसने मुझे प्यार भरा मैसेज किया था और मुझे प्यार भरी बातें करनी थी, इसलिए मैंने उसको कॉल किया है। फोन दो उसे। अकेले हो? कोई बात नहीं, किटी है ना, जो बनेगी आपके अकेलेपन के साथ और करेगी आपसे हर वो बात जो आप करना चाहते, वो भी बड़े ही प्यार से। तो फिर सोच क्या रहे? उठाइए फोन और डायल कीजिए मेरा नंबर 9130। लगा इसे पटाना मुश्किल होगा, हर किसी से पटने को तैयार है। मैडम मैडम घर आ गया, आराम से आइए। अरे उठिए मैडम। ये सब क्या है? क्या हुआ रानी को? पता नहीं क्या, मुझे लगता है ज्यादा पी ली इन्होंने। पी ली है मतलब? मतलब पी ली। अच्छा ठीक है, तुम छोड़ो, हम देख लेंगे। संभाल के। ये पर्सन का। हाँ ठीक। रानी बेटा, दारू पीना अच्छी बात नहीं है। और तुम तो ऑफिस गई थी ना? हाँ, वो आंटी एक्चुअली ऑफिस में पार्टी थी तो थोड़ा सा ज्यादा हो गई, आगे से मैं ख्याल रखूंगी। वो आंटी घर से फोन है। कोई बात नहीं, मैं आती। हेलो। हेलो किटी, कैसी हो? किटी से बात करने के लिए पहले पैसे देने पड़ते हैं इस नंबर पर। कितने? 5,000 रुपीज। 5,000? अरे इतने पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास। किटी, दो मिनट फ्री में बात कर लो ना, मेरी आवाज बहुत पसंद है। किटी से बात करने के लिए इस नंबर पर पैसे देने पड़ते हैं, अगर पैसे नहीं तो किटी भी अवेलेबल नहीं है, और जब पैसे हो तब फोन करना, समझे? अच्छा जी, तो चोरी और ससीना चोरी। किटी जी, ये कॉल मैंने कर लिया रिकॉर्ड, अब आप फ्री में मुझसे मिलेंगी भी, बात भी करेंगे। माँ का फोन। हेलो माँ। प्रणाम। खुश रहो बेटा। बेटा, इस बार तुमने पैसे नहीं भिजवाए, ईएमआई कटने का समय हो गया है। माँ, अभी कुछ दिन पहले तो भेजे थे। बेटा, 2 महीने की ईएमआई भरनी है। 1 महीने की भर ली है, अभी एक बाकी है। कोई परेशानी तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं है, मैं भेजती हूँ, जल्दी भेजती हूँ। अच्छा माँ, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा। हेलो। हाय किटी,
मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। रानी अभी पैसों की बहुत जरूरत है, ये करना ही होगा। हाय, बोलिए ना। किट्टी बोल रही हूँ, आपकी दोस्त। बताइए क्या बातें करनी है। बात तो करनी है पर वीडियो कॉल पर करनी है। लेकिन वीडियो कॉल के लिए 10,000 रुपए लगेंगे। हाँ श्योर, भेजता हूँ ना। ठीक है, आप साइन कीजिए। किट्टी आपको 5 मिनट में कॉल करेगी। ओके ओके, मैं भेज रहा हूँ। Wow, you look sexy. अरे मास्क क्यों? भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो दोस्ती बनने पर होता है। अभी तो मिले हो, थोड़ा टाइम तो दो। वही तो नहीं है मेरे पास। मैं 2 दिन बाद इंडिया छोड़कर अमेरिका जा रहा हूँ हमेशा के लिए। और मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले कुछ पल तुम्हारे साथ बिता लूँ। बोलो, मिलोगी? पिछली बार मिलने गई थी रानी तो मुश्किल में पड़ गई थी, अब फिर से। बेटा इस बार तुमने पैसे नहीं भिजवाए, 2 महीने की EMI भरनी है। लेकिन एक मीटिंग का 60,000 रुपए लगेगा। चलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं सिर्फ मिलके बातें करती हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, मुझे भी सिर्फ एक दोस्त की जरूरत है, सो डोंट वरी। बाय। Crime World, सिर्फ शेमारू टीवी पर।